हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला शीर्षक है 2.1 तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अब हम अपनी भक्ति प्रणाली में उत्तर भारत और पूर्वी भारत से निकल के दक्षिण भारत में देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जो जनसाधारण लोग हैं वो किस तरह की पूजा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के अलवार और नयनार, ये भक्ति आंदोलन का के उल्लेखनीय नेतृत्व करने वाले दो अलग पंथ हैं, और भक्ति को वेद और भव्य मंदिरों से निकाल के आम आदमी जनसाधारण तक लाने के लिए इन दो पंथों का बहुत उल्लेखनीय योगदान है। अब आते हैं पहले शब्द अलवार। अलवार वो लोग थे जो विष्णु भक्त थे, और दूसरा शब्द है नयनार। नयनार जो शिव भक्त थे, ये लोग जगह जगह भ्रमण कर अपने प्रभु का भजन प्रसार करते थे। और जैसा कि दोबारा बताना चाहूँगी, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये कोई राजपूत नहीं, ये कोई राज्य संप्रदाय से रखने वाले राजकीय लोग नहीं, ये किसान हैं, जनसाधारण मानस हैं जो विष्णु भक्ति और शिव भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जब ये जगह जगह घूम के अपनी भक्ति का प्रचार करते थे, तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने एक कुछ खास जगहों को अपने देवता का निवास स्थान घोषित किया। ये वहाँ रुकते थे, देवताओं के बारे में प्रसार करते थे, उनकी गाथाओं को जनमानस तक पहुँचाते थे, और जहाँ वो रुकते थे बाद में वहाँ के लोग उस स्थान को तीर्थ स्थान घोषित कर देते थे। इसी काल में उन स्थानों पर विशाल मंदिर बनवाए जाते थे, जहाँ पे अलवार्स और नैनार्स रुकते थे, अपने प्रभु की जन गाथा का रखते थे, वहाँ के उनके रुकने के स्थान को तीर्थ स्थान बना दिया जाता था। फिर वहीं पे बाद में उनके अनुयायी आते थे, उस जगह के प्रांगण में बैठते थे और वहाँ प्रभु की गाथा करते थे। तो उसी जगह पे बाद में भव्य और विशाल मंदिर बनवाए गए। यहाँ के लोग वहाँ पे अपनी पूजा के साथ साथ भजन कीर्तन भी करते थे, और इन लोगों ने जातिवाद और ब्राह्मणों की प्रभुता के प्रति विरोध किया। इन लोगों ने शूद्रों के प्रति भेदभाव का विरोध किया। यदि आप देखें अपना सोर्स एक जो है, स्रोत एक है, चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता और अस्पृश्य, ये एक तोंद्रा डी पोड्डी नामक ब्राह्मण के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। यहाँ एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जो प्रारंभिक वेद थे हमारे, उसमें जब हमारे वर्ण, हमारे समाज की उत्पत्ति की गई, तो उन वेदों में उल्लेख किया गया कि समाज में चार वर्ण हैं, जो प्रभु हैं, जो हमारे जो भगवान हैं, उनके सर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उनके हाथों से राजपूत वर्ग की उत्पत्ति हुई है, और उनके उदर के भाग से वैश्य जो व्यापारी थे उस वर्ग की उत्पत्ति हुई है, और चरणों से शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुई है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक या सामान्य कोई विज्ञान नहीं है, किंतु इसका उल्लेख है, और बाद में यही उल्लेख आगे चलते चलते एक अनेक रूप ले लेता है, जहाँ अनेक विभिन्न रूप ले लेते हैं, जहाँ पे शूद्रों को अस्पृश्य माना गया। तो जब अलवार्स और नैनार्स अपनी भक्ति का प्रचालन कर रहे थे, अपनी भक्ति घर घर तक पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने जो एक इनके काफ़ी प्रमुख कवि हैं तोंडरा दी पोड्डी, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण तो हमारे लिए पूरे अजनबी हैं जो आपकी सेवा के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं, परंतु हे प्रभु, हे विष्णु, आप उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि दास, चाहे वो आपके चरणों से क्यों ना उनकी उत्पत्ति रखी गई हो, वे वर्ण व्यवस्था से परे होके आपके अनेक प्रिय हैं।
जाति के प्रति दृष्टिकोण अब आपको समझ में आ गया कि वहाँ के लोग जातिवाद को मानते नहीं थे, शूद्र और औरतों को उन्होंने एक समान दर्जा दिया और उनके साथ मिलके प्रभु भक्ति को आगे बढ़ाया। इन संतों की ख्याति का हिसाब हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को वेद समान महत्वपूर्ण माना गया। वेद जो बहुत प्राचीन थे, लोगों ने जिसमें उल्लेखनीय बातों के ऊपर अपनी आपत्ति जताई, उनको एक किनारे करके अपनी भक्ति व्यवस्था को आगे रखा। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है नल्ला येरा दिव्या प्रबंधम। ये एक तमिल वेद है, तमिल भाषा की रचना है और इसकी महत्वपूर्णता वेदों से कहीं ऊपर है। इसको वेद के समान ही माना गया और इसमें भी इसी बात का उल्लेख है। ये एक 4000 श्लोकों की कॉम्पोजिशन है और इसे ब्राह्मण 12 ब्राह्मण अलवार ने इसकी रचना की थी। शीर्षक 2.3 को यदि हम देखें तो यह शीर्षक स्त्री भक्तों के ऊपर ज्ञान डालता है। भक्तों की जब हम बात करते हैं तो केवल पुरुष भक्त ही नहीं थे, खासकर दक्षिण भारत में स्त्री भक्तों के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है। स्त्री भक्त जो प्रभु की उत्तर भारत में या आपके पूर्वी भारत में या मध्य भारत में, जहां हम मीरा की बात करते हैं, प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती थी, उसी तरह से दक्षिण भारत में बहुत से भक्त स्त्री भक्त भी थीं, भक्तिनियाँ जिनको बोला जाता है, वो भी थीं जो अपना घर संसार अपने परिवार का परित्याग करके केवल प्रभु भक्ति में लीन रहती थीं। स्त्री भक्तों की बात करें तो एक बहुत फेमस उदाहरण है अंडालका का, जो एक अलवार थी, अलवार यानी विष्णु भक्त थी, उसके द्वारा रचित भक्ति गीत आज भी गाए जाते हैं। कराईकल अमियार एक नयनार यानी एक शिव भक्त थी और उसने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और उसके द्वारा रचित भक्ति संग्रह आज भी बहुत विख्यात हैं। स्त्रोत 3 में अगर आप देखें तो कराईकल अमियार की कविता है जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं कि प्रभु भक्ति में वो तल्लीन हैं, उनके रूप और गुण की कोई महत्ता नहीं है, वो एक राक्षसी के समान दिखती हैं, फूली हुई नाड़ियां हैं, आंखें बाहर हैं, बाल भरे हुए हैं, आप पूरा ये पढ़ेंगे, लाल केश, आगे निकले दांत, लंबी पिंडली, ये अलकट्टू का वन है जो हमारे पिता यानी प्रभु शिव का घर है, वह नृत्य करते हैं, उनकी जटाजूट आठों ओर बिखेर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। उन उपायों की सूची बनाइए जिन उपायों से कराईकल अमियार अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ पे जब हम स्त्री भक्तों की बात करते हैं तो स्त्री भक्त अपना जब संपूर्ण घर त्यागती हैं, अपने परिवार को त्यागती हैं और वो जब वन में जाके अपनी तपस्या करती हैं तो वो बाल बढ़े हैं, नाखून बढ़े हैं और वो सिर्फ केवल प्रभु भक्ति में तल्लीन हैं। उनकी भक्ति किसी पुरुष भक्त से अलग नहीं है, इस बात की ओर उल्लेख कराया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत खास है वो है राज्य के साथ संबंध। राज्य के साथ संबंध एक बहुत खास बात है। भक्त यानी कि आम जनता और जो भक्ति का प्रसार कर रहे हैं, अर्थात जो शिव और विष्णु का प्रसार कर रहे हैं, वो आम जनता तक पहुंच रहे हैं, उन्हें उस आम जनता का समर्थन प्राप्त है। तो राजदरबारी हैं या जो राजा है उसे एक आम जनता का समर्थन चाहिए। उसे भी लोग तभी प्यार करेंगे जब वो लोगों के दृष्टिकोण को अपनाएगा। पल्लवाज एंड पांड्यास जो 6वीं शताब्दी के प्रमुख राजघराने थे, पल्लवा और पांड्यास, ये बौद्ध और जैन धर्म को काफ़ी संरक्षण देते थे। तो जाहिर सी बात है कि 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु के आसपास बौद्ध और जैन धर्म का काफ़ी फैला हुआ था और इन प्रांतों में उनके अनुयायी भी काफ़ी थे। परंतु धीरे धीरे जब अलवार और नैनार या हम यूँ कहें कि शिव भक्त और विष्णु भक्त उस प्रांत में आने लगे तो बौद्ध और जैन धर्म की विलुप्ति होती दिखाई दी। अलवार और नैनार
भक्तों का बौद्ध और जैन धर्म के साथ एक खास विरोधाभास भी दिखा है। जगह जगह पर उल्लेख है, इतिहासकारों ने इस बात को दिखाया भी है कि ये विरोधाभास शायद राजकीय संरक्षण के लिए भी हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजकीय संरक्षण धर्म को फैलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। राजकीय संरक्षण न केवल आपको संरक्षण देता है, बल्कि आपके धर्म को फैलाने के लिए धन, भूमिदान और भी तरह तरह की चीज़ें देता है। अगर राजा आपके धर्म को मानते हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं था, ये अगर आप देखें तो इंग्लैंड में भी, अगर वहाँ की महारानी कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है तो वहाँ के अनुयायी भी उसी धर्म को मानेंगे। इसी के लिए इसी तरह से राजकीय धर्म की जब हम बात करें तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यथा राजा तथा प्रधा, जो राजा जिस धर्म को अपनाएगा वहाँ की प्रजा भी उसी धर्म का पालन करेगी। राजा वहाँ उस धर्म को फैलाने के लिए धन और भूमि दान देंगे, उस धर्म के फैलाने वाले संतों का संरक्षण रहेगा। तो विरोधाभास की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि इन धर्म के जो अनुयायी हैं इनका आपस में कोई विरोधाभास नहीं हो। विरोधाभास केवल राज्य संरक्षण के रूप में भी हो सकता है। 9 से 13वीं शताब्दी तक चोला डायनेस्टी के जो राजा थे वो उन्होंने विष्णु और शिव मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। ना केवल उन भक्तों को अपना संरक्षण दिया, बल्कि मंदिर विस्तार के लिए भूमि दान और मंदिर निर्माण के लिए धन भी दिया। चिदंबरम, तंजावर और गंगेकोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध और विशाल मंदिर इसी समय में निर्मित हुए, और इसी समय में शिव की नाचती हुई कांस्य प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। आपके जो पुस्तक में स्रोत है वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, शिव की कांस्य प्रतिमा इसी समय में निर्मित हुई, जो बहुत महत्व फेमस रूप में नटराज के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है नटराज के नाम से, कि शिव की कहीं पे छोटी मूर्ति में पूजा होती थी लघु परंपराएं, और शिव की जो महान मूर्ति बनी जो कांस्य की थी और एक मैं इम्पॉर्टेंट और कॉस्टली मूर्ति थी, जिसका हम उदाहरण महान परंपराओं में दे सकते हैं। खास बात यह है कि नैनार और अलवार्स, जो वहाँ के वेलाला प्रांत में के किसान थे, उनके साथ वो काफ़ी प्रभावित थे, और चोला सम्राटों ने भी अलवारों का और नैनारों का काफ़ी संरक्षण किया। इन सम्राटों ने नैनारों की शिव भक्ति का एक ग्रंथ बनाया, जो नैनार थे, जो उनके शिव भजन थे, जो उनके शिव स्त्रोत थे, और जो शिव की पूजा करने के लिए उन्होंने सूक्तियाँ लिखी थी, उन सब को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, जो आज भी एक महाग्रंथ तेवरम के रूप में प्रसिद्ध है। 1945 ईस्वी के आसपास चोला के प्रांत का एक सम्राट ने संतकारी अप्पार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं स्थापित की, और ये सारी प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई गईं। कई बार जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो चोलास और पांड्यास के समय में धर्म के अंदर जो बनावट हुई और धर्म के लिए धर्म के विस्तार के लिए जो कार्य किया गया, आप उसकी चर्चा करें, तो उस समय में आपको इन सब के बारे में लिखना पड़ सकता है। तो सजेशन और एक सुझाव यही है कि इस बारे में आप थोड़ा याद करके डेट सहित अगर आप उसे लिखेंगे तो वो एक आपका अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। भक्ति आंदोलन में अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमने तमिलनाडु की तमिल ग्रंथों और मंदिरों की बात की थी, अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। अलग प्रांत है, अलग भाषा है, अलग मत हैं और अलग लोग हैं। कर्नाटका में इस समय में 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में, 1106 से लेके 1168 के बीच में
एक संत उभरे और उन्होंने एक नई परंपरा का प्रचलन शुरू किया, जिसे बहुत प्रमुख रूप से कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा कहा जाता है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा की शुरुआत की वहाँ के एक ब्राह्मण ने, जिसका नाम था बासवन्ना। ये बासवन्ना कालाचुरी दरबार में, राजा के दरबार में एक मंत्री थे और इनके अनुयायी वीर शैव यानी कि शिव के वीर और लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाले कहलाए जाते थे। आज भी लिंगायत समुदाय इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बसवन्ना ने और धर्मों की तरह छूत छात, ऊंची जाति नीची जाति के लोगों का विरोध किया। उनका भी यही मानना था कि जो लोग आम हैं और जो प्रभु की भक्ति रखते हैं उनमें प्रभु शुद्ध रूप से विराजमान होते हैं। बासवन्ना ने आडंबरों का भी बहुत बहुत विरोध किया। यदि आप अपनी बुक में स्रोत, अपनी किताब में स्रोत चार देखेंगे, अनुष्ठान और यथार्थ संसार, तो ये बासवन्ना का एक लिखा हुआ वचन है कि आप सांप को दूध पिलाते हैं परंतु वही सांप अगर सामने आए तो आप उसे लाठी से डंडे से मार के मृत कर देते हैं, और उसी तरीके से आप पत्थर के देवता को भोजन खिलाते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग बना के खिलाते हैं, परंतु यदि अगर आपके सामने कोई दरिद्र कोई शूद्र आ जाए तो आप उसे मार के भगाते हैं। ये किस तरह की भक्ति है? तो जिस तरह से उत्तर भारत में शूद्रों और स्त्रियों को स्वीकारा जा रहा था, तमिलनाडु में भी आम भाषा में लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया, कर्नाटका में भी बासवन्ना की का योगदान जो है वो कम उल्लेखनीय नहीं है। बासवन्ना के दो फॉलोअर्स, दो अनुयायी, दो पंथ हैं, एक है शिव के वीर और एक है लिंगायत। अब आइए हम लिंगायत में बात करते हैं। लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं वो आज भी बहुत प्रमुख संप्रदाय है। इनमें खास बात थी कि ये लोग अपने दाहिने कंधे से जनेऊ में शिवलिंग को एक चांदी के पिटारे में धारण करते हैं और ये इनके पास हमेशा होता है। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, इनका मानना है कि हम मृत्यु के बाद शिवा में लीन हो जाएंगे। कुछ धर्म मानते हैं, मानते थे कि हम ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ये चलता रहेगा। यहाँ इनका मानना है कि जो हमारा शरीर है वो हमारी मृत्यु के पश्चात, लिंगायत की मैं बात कर रही हूँ, लिंगायत संप्रदाय के लोगों का मानना है कि हमारा शरीर हमारी मृत्यु के बाद शिव में विलीन हो जाएगा और हम इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। और बहुत प्रमुख बात जो हिंदू संप्रदाय की थी कि ये मृत शरीर को जलाते नहीं थे, ये उन्हें दफना देते थे और ये लोग श्राद्ध भी नहीं करते थे। इसी की कारण इनका बहुत विरोधाभास भी हुआ, परंतु हर धर्म का अनुयायी जो बहुत सी चीज़ें कहता है, लोग इसको किस तरीके से मानते हैं और देखते हैं ये डिपेंड करता है, ये निर्भर इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हैं और आपका राज्य संबंध कैसा है। तीसरी खास बात इस संप्रदाय की ये रही कि इन्होंने व्यवस्थित विवाह को बहुत प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह के बहुत खिलाफ थे और एक बहुत अच्छी चीज़, व्यवस्थित विवाह के साथ साथ इन्होंने विधवा विवाह को भी मान्यता दी। और इसी समय में इन्होंने अपनी आम भाषा में भगवत पुराण का भी उस क्षेत्र के लिए प्रसार किया।